बड़ा त्योहार आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का सेकंड फेज सितंबर में स्टार्ट हो रहा है यूएई में। आईपीएल स्टार्ट हुआ था इंडिया में लेकिन कोविड के केसेस की वजह से आईपीएल को रोक दिया गया और अब सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है यूएई में। तो दोस्तों इसी सितंबर के मंथ में मैचेस स्टार्ट होंगे और अक्टूबर तक ये मैचेस चलने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम प्रीव्यू के बारे में, राजस्थान रॉयल जो टीम है उसका फुल प्रीव्यू करने वाले हैं। साथ में ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, उनके स्टैट्स के बारे में बात करेंगे, क्या उनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है जो कि उन्हें आईपीएल 2021 में कप की तरफ लेकर जा सकती है। तो कैप्टन रहेंगे इनके संजू सैमसन। अभी आईपीएल 2021 में ये टीम फिफ्थ पोजीशन पे है, प्लेऑफ की दौड़ में अभी ये टीम बनी हुई है। बात करते हैं पहले प्लेयर की रिप्लेसमेंट की, तो बेन स्टोक की जगह पर एवन लेविस, जॉस बटलर की जगह पर ग्लेन फ्लिप, टाई की जगह पर तब्जेश शमसी और आर्चर की जगह पे ओसन थॉमस, इन प्लेयर की वापसी हुई है और जो पहले वाले प्लेयर थे किन्हीं रीजनों की वजह से सेकंड फेज में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। अब बात करते हैं आईपीएल 2021 में जो रिप्लेसमेंट है उनके क्या स्टैट्स रहे हैं। लेविस की बात करें तो इससे पहले भी लेविस आईपीएल खेल चुके हैं और आईपीएल में उनका जो रिकॉर्ड है 16 मैचेस खेले हैं, 430 रन स्कोर किया है 131 के स्ट्राइक रेट से और एवरेज जो है उनका 27 का है, अर्धशतक 2 है उनके नाम पे। वहीं बात करें अभी इनकी करंट फॉर्म की, करंट में भी ये सीपीएल में खेल रहे हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सीपीएल में 6 मैच खेले हैं, 229 रन इन्होंने स्कोर किया है 148 के स्ट्राइक रेट से, एवरेज 38 का है और अर्धशतक 2 है। ये टॉप ऑर्डर के काफी अच्छे बल्लेबाज है और पावर प्ले का बहुत अच्छा यूज लेते हैं, तो ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर जो कि ग्लेन फ्लिप है। ग्लेन फ्लिप मिडल ऑर्डर के काफी अच्छे बल्लेबाज है, ये न्यूजीलैंड के बैट्समैन है, इन्होंने 8 मैच खेले हैं, 182 रन स्कोर किया है 178 के स्ट्राइक रेट से, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और मिडल ऑर्डर के काफी अच्छे बल्लेबाज है, एवरेज 36 का है और अर्धशतक इनके नाम पे 1 है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें तो तब्जेश शमसी आईसीसी की रैंकिंग में सबसे अच्छी पोजीशन पे चल रहे हैं और टॉप में है, इन्होंने 14 मैच खेले हैं 2021 में और 24 विकेट लिए, यानी हर मैच में आपको ये विकेट निकाल कर देते हैं। इकोनॉमी इनकी 5.33 की है और बेस्ट बॉलिंग इनका 4 विकेट लेके 25 रन दिए हैं। भाई बात करते हैं अब राजस्थान के फुल स्क्वाड के बारे में, संजू सैमसन जो कि कैप्टन है, रियान पराग, श्रेयस गोपाल, राहुल तेवतिया, महिपाल लोमर, कार्तिक त्यागी, जयदेव उनादकत, यशस्वी जायसवाल, यशस्वी जायसवाल का भी कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो खेलेंगे या फिर नहीं, डेविड मिलर, क्रिस मॉरिस, मुस्तफिजुर रहीम, ग्लेन फ्लिप, तब्जेश शमसी, इवन लुविस, ओशन थॉमस, चेतन सक्रिय, केसी करियप्पा, कुलदीप यादव, आकाश सिंह, मनन बोरा, शिवम दुबे का भी कंफर्म नहीं हो पाया है, मयंक मार्कांडे और अनुज रावत। तो ये इनका फुल स्क्वाड था। अब इनमें से जो सिलेक्टेड प्लेइंग 11 है वो आपके सामने रखता हूं। तो आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल की ये सबसे स्ट्रांग टीम मुझे लग रही है अगर ये प्लेइंग 11 वो अपनी खिलाते हैं। इवन लुइस के साथ में वोरा की ओपनिंग कराए, अगर वोरा नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह पर लिविंगस्टन की ओपनिंग कराए, दोनों पावर हिटर है, अगर दोनों प्लेयर 8 ओवर तक खेल जाते हैं तो टीम को इतने अच्छे स्कोर तक पहुंचा देंगे कि अगर उनका मिडल ऑर्डर फ्लॉप भी होता है तो भी टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच जाएगी। अगर यशस्वी जायसवाल वापसी करते हैं तो यशस्वी जायसवाल खेलेंगे, नहीं तो शिवम दुबे, अगर दोनों वापसी नहीं कर पाते हैं तो फिर मनन बोरा खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद संजू सैमसन, रियान पराग, राहुल तेवतिया जो कि अच्छे हिटर है और यूएई में इनका परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छा रहा है, क्रिस मॉरिस, श्रेयस गोपाल, कार्तिक त्यागी या फिर चेतन सक्रिय में से कोई एक खेलेगा, जयदेव उनादकत और मुस्तफिजुर रहीम। अब बात करते हैं ये जो प्लेइंग 11 थी इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो कौन से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो लेविस, लिविंगस्टन, क्रिस मॉरिस, मुस्तफिजुर रहीम और राहुल तेवतिया, ये जो प्लेयर थे आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल की तरफ से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करी जाए तो टॉप ऑर्डर इनका काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, मिडल ऑर्डर इनका बैलेंस है, स्पिन बॉलिंग अटैक इनका काफी ज्यादा अच्छा है और जो मिडल ऑर्डर है वो इनका मुझे वीक नजर आ रहा है। लोअर मिडल ऑर्डर इनका क्रिस मॉरिस है तो इनके पास वो थोड़ा गुड है, लेकिन जो मिडल ऑर्डर है वो इनका वीक नजर आ रहा है। अगर मिडल ऑर्डर में ये मिलर को खिलाते हैं तो इन्हें लिविंगस्टन, लेविस, क्रिस मॉरिस या रहीम में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर मिलर की जगह पर ये ग्लेन फिलिप को भी खिला सकते हैं अगर मिडल ऑर्डर इनको स्ट्रांग करना है तो। अगर नीचे बॉटम ऑर्डर में रहीम को ड्रॉप करते हैं तो इन्हें चेतन सक्रिय को भी खिलाना पड़ेगा और फिर ऊपर ये
वहां पे मिडल ऑर्डर में मिलर या ग्लेन फिलिप को किसी एक को खिला सकते हैं। बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के बारे में। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो राजस्थान रॉयल फिफ्थ पोजीशन पे है, 7 मैच इन्होंने खेले हैं जिनमें से 3 मैच में जीत मिली है, 4 मैच में इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, 6 पॉइंट्स के साथ में -0.190 की नेट रन रेट के साथ में फिफ्थ पोजीशन पे टीम डटी हुई है। वहीं बात करते हैं टीम परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोस्तों यूएई में 2020 में 40 मैचेस खेले गए थे जिसमें से 6 मैच में इन्हें जीत मिली, 8 मैच में इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और पॉइंट्स इन्हें 12 मिले थे। नेट रन रेट इनका अगेन माइनस में रहा था 0.569। लास्ट पोजीशन पे रही थी 2020 में, वहीं चेजिंग के टाइम पे 5 मैच जीती थी और डिफेंड के टाइम पे 1 मैच जीती, चेजिंग के टाइम पे 5 मैच हारी भी थी और डिफेंड के टाइम पे 3 मैच हारी थी। वहीं बात करें अब टॉप प्लेयर्स के बारे में, संजू सैमसन और राहुल तेवतिया बैटिंग में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं यूएई में। बात करते हैं इनके स्टैट्स के बारे में। संजू सैमसन की बात करें तो 14 मैचेस में 375 रन इन्होंने स्कोर किया है 158 के स्ट्राइक रेट से। वहीं राहुल तेवतिया की बात करें तो 11 मैचेस में 255 स्कोर किया है 139 के स्ट्राइक रेट से। टॉप बॉलिंग में बात करें तो यहां पर भी राहुल तेवतिया का नाम आता है, उन्होंने 14 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं। श्रेयस गोपाल 14 मैच में 10 विकेट लिए हैं और कार्तिक त्यागी 14 मैच में 9 विकेट लिए हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बैटल की पॉइंट्स टेबल में, राजस्थान रॉयल वर्सेस मुंबई के बीच काफी बड़ी बैटल देखने को आपको मिल सकती है फोर्थ नंबर पोजीशन के लिए। तो बात करते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। टोटल 24 मैचेस खेले गए दोनों ही टीमों के बीच और दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर हुई है। 12 मैच जीते हैं मुंबई ने तो 11 मैच जीते हैं राजस्थान रॉयल ने, 1 मैच नो रिजल्ट रहा है। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो आईपीएल 2021 में फोर्थ पोजीशन पे है मुंबई इंडियंस और फिफ्थ पोजीशन पे है राजस्थान रॉयल। मुंबई इंडियंस की बात करें तो 7 मैचेस में से 4 मैच में जीत मिली है, वहीं राजस्थान रॉयल को 7 में से 3 मैच में जीत मिली है। अब दोस्तों आप बताइएगा कि प्लेऑफ की दौड़ में मुंबई अंदर होगी या फिर राजस्थान रॉयल अंदर होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग राजस्थान रॉयल प्लेऑफ में पहुंच सकती है, क्योंकि जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती है राजस्थान एक अलग ही फॉर्म में नजर आती है। उनका जो बैटिंग है बॉलिंग है इस जब भी इनके सामने होता है एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। तो मुझे लगता है मुंबई प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी और राजस्थान प्लेऑफ के अंदर हो जाएगी। पहले नंबर पे दिल्ली कैपिटल, दूसरे पे चेन्नई सुपर किंग, बैंगलोर और राजस्थान रॉयल, ये टीम प्लेऑफ की दौड़ में रहने वाली है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आईपीएल 2021 में इनके शेड्यूल की बात करी जाए तो 21 सितंबर को पंजाब के साथ मैच खेलेगी, 25 को दिल्ली कैपिटल के साथ, 27 को हैदराबाद, 29 को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, 2 अक्टूबर को चेन्नई सुपर किंग, 5 अक्टूबर को मुंबई इंडियंस के साथ और 7 अक्टूबर को कोलकाता नाइट राइडर के साथ मैच खेलते हुए नजर आएगी।